Guys, welcome back to the Podstars. This is the fifth episode. We have the biggest headphones, we have the biggest microphones, but we have the smallest penises. Today we have a guest with us. This guest has multiple identities. He goes by multiple aliases. And no, he's not Chota Rajan. He's not a gangster. He's an Amazon worker. He's a UBC graduate. Please give it up for Kamal Malik. Well, I thought you were going to say he was a UPS worker also. I don't know. This is Kamal Malik. And he is... Kamal, how would you... not identify yourself. You identify yourself as a cisgender male? Male. What are your pronouns? Him and... That's it. Just him. He and him. It's he and him. Fuck. Him and him. He and him. Are you him and him? Him and him. Sabi naman tumalama. Abhi naman si sa mama. Anyway, Kamal, how would you identify yourself? Ki tu matlab teri identity kya hai? Tu cheez kya hai? Insan. Must. But must insan. Aur isse zyada to aur kuch nahi bol sakta main apne bare mein bhi. तो फिर मेरे को ये बता फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वंडरिंग हियर इज व्हाट वुड यू से डिफर्ड फ्रॉम एन इंडियन एजुकेशन टू द एजुकेशन यू गॉट एट यूबीसी दैट गॉट यू अ प्रेस्टीजियस जॉब एट अमेज़न यूबीसी इज इन कनाडा यूबीसी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया सो आई वॉज इन द सस्ता वाला कैंपस और मेरे को वहां से भी निकाल दिया था बट दैट्स कमल ओके सी सो द क्वेश्चन हियर इज वॉज योर पैकेज अमंगस्ट द हायर वंस इन योर बैच You can be honest. I know India mein thoda taboo hai rokde ke bare mein baat karna. Package meaning? Like what? Like in terms of like placement. Literal package. Oh, what? Placement wala package, bhai. Acha placement wala package. Bhai, musicians aa jaate package. Bhai, tu ye package bol raha hai. Bola literal bol raha hai. Confused ho gaya. Sarcastic of course with the work. Acha chal, samjha. I think it's a little above average. ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं है. पॉडकास्ट एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे तेरे को हम्बल होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिर्फ 500 व्यूअर्स हैं जो भी तेरे दिल में तो बोल दे. नहीं सही में एवरेज मतलब वहाँ पे एवरेज अराउंड 70-80 की है अभी एंड आई गॉट अराउंड 100 लाइक 110-ish. सो व्हाट इज व्हाट वुड यू से इज द हाईएस्ट लाइक सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं मतलब मोस्टली कंप्यूटर साइंस के लॉन्डे के मिलते हैं एंड दे गेट अबाउट लाइक 170-ish सीधा. हाँ लाइक इफ यू आर गुड एट इट नहीं तो वैसे तो मतलब 150 तक तो मिल ही जाता है फिर तो ये प्लेसमेंट कैसे होती है जैसे ये 3 इडियट्स में दिखाया था जैसे वो तुम्हें हॉल में जाना पड़ता है इंटरव्यू होता है तुम्हारा ऐसे नहीं और तू भी ये बोलता है कि क्या बोला था 3 इडियट्स में उसने डायरेक्टर गेट पे सुसु कर दिया था. पहला इंटरव्यू यही था एक्चुअली जो वहाँ पे जाके उसके गेट पे सुसु कर देते हैं उनको थोड़ा कम पैकेज मिलता है बट शिट ऑन देयर गेट देन यू गेट एक्स्ट्रा मनी ना नहीं यार 4 साल लगाए भाई 4 साल लगा के इतनी मेहनत करी है तो जॉब 3 इडियट्स उसको मिली गई थी करने के बाद भाई पर वो तो व्हीलचेयर में बोल के गया था ना कि मेरे को जॉब देनी है दे दो नहीं देनी मत दो तेरे को क्या लगा असली वो थोड़ी होगा दैट्स बेस्ड ऑन रियलिटी यू थिंक आमिर खान जस्ट कनाडा जाके साले लग रहा है आमिर खान कुछ ब्रो दीस गाइस बहुत रिसर्च करता है भाई नहीं दीस गाइस डिड नॉट नो दे वर बीइंग फिल्म्ड इट्स डॉक्यूमेंट्री साइड इट वाज अ रियलिटी शो कमल आमिर खान को फैक्ट चेक कर रहा है आमिर खान पहली बोरात इंडिया में ही बनी थी तूने पीके नहीं देखी क्या सब कुछ हुआ है दैट वाज ऑल अ रियलिटी बिहार में हुआ है वो सब पीके एक्चुअली इंसान था फक हमारा पीके है अच्छा पीके होगा तो वहाँ पर क्या कैसे होता फिर वो इंटरव्यूइंग प्रोसेस होता कैसे सो इन व्हेन यू आर इन द फोर्थ ईयर यू स्टार्ट अप्लाइंग टू डिफरेंट जॉब्स एंड स्टफ और उसके बाद मतलब मैंने बीटीएम किया था तो व्हाट इज बीटीएम बिजनेस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ओके इट्स जस्ट फैंसी टेक्नोलॉजी क्या होती है मतलब लैपटॉप ही सीख हाँ अगर लैपटॉप पे किताब पढ़ लो तो टेक्नोलॉजी में ऐड कर सकते हैं वो जो किताब से पढ़ते हैं उनको बस बीएम मिलता है सीरियसली बीटीएम में टी क्या है लाइक तुम्हारे कोर्सेज वर्सेस में कुछ होता है क्या अंतर क्या होता है कोर्सेज में यू लर्न मोर अबाउट लाइक जैसे हर कंपनी में बिजनेस के लोग होते हैं टेक्नोलॉजी के लोग होते हैं देन यू नीड सम पीपल टू ब्रिज द गैप जिनको थोड़ा बहुत दोनों साइड का बताओ तू बीच का टेक हाँ बेसिकली सो यू बेसिकली स्विंग बोथ वेज या दैट्स हाउ इट इज या यू
So it's just you knowing both of the two things. Your modules are basically mixed. Okay. You, like, no, I don't know all sides of technology. I just know the basic parts of technology. Like, you know? I know, like, a little bit of Python. Python or yeah. But what then, is the point of learning it just a little bit? Because if किसी coder को तेरा चूतिया काटना होगा, वो तो वैसे भी काटेगा. नहीं, coding में चूतिया काटना coding में नहीं होता. Coding में तो कितना ही टट्टी कोड लिख लें, वो एंड में जाके मतलब जो उनके बाकी इंजीनियर्स होते हैं वो देख ही लेते हैं. मेरे को फिर ये तो गैप जो ब्रिज हो रही है वो गैप में, उस गैप में हो क्या रहा है ब्रिज? जैसे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स जो होती है, इसमें यू बेसिकली लर्न अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीपीएम वगैरह होते हैं, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उन सबको यही दोनों वो चाहिए होती है. लाइक दे नीड सम बिट ऑफ बिजनेस नॉलेज, सम बिट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी में इस बीटीएम में कुछ ज़्यादा मतलब हाई फाई नहीं सिखाते कि ऐसे पूरी गलत कोडिंग वोडिंग सिखा रहे हैं, बट थोड़ा बहुत एसक्यूएल सिखा देते, थोड़ा बहुत पाइथन, जस्ट सो यू नो कि कोड कैसे काम करता है. अगर किसी इंजीनियर के पास जाके बैठ गए और सिर्फ वो मतलब ऐसी रैंडम चीजें स्क्रीन पे देख रहे, कोडर वोडरों को और कुछ समझ ही नहीं आता, उनसे कोड में ही बात करनी उसको कोड से ही समझ आता है. इनिट, इनिट, इनिट भी होता है ना कोड में? नहीं, आईएनआईटी ब्रैकेट प्लस ऐसे होता है कोड. यही पता है तेरे को बस. इसीलिए बेसिकली मेरी साउंड वेव्स इतनी ज्यादा क्यों है सबकी? इतनी कम क्यों? सबसे लाउड बात करता है भाई, ये देख ले. अच्छा, तूने स्टार्ट काफी लाउड किया था ना, हार्ट बीट लग रही है ये तो. एनीवे, ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक एट हैंड. तो फिर बेसिकली फिर होता क्या है? तो तूने ठीक है बीटीएम किया, हां, तो अब कैसे नौकरी कैसे मिलती है? तो इनिशियली यू स्टार्ट हंस के रहे भाई, बता रहे मेरे को ये से यू स्टार्ट ये एपिसोड यूथ के लिए, इंडिया की. अरे भाई, अबे इंडिया के यूथ के लिए तू एक आइकॉन बनेगा. हमारे 500 सारे के सारे 500 जो हमारे लोग हैं, मैंने देखा है डेमोग्राफिक में जाके, देयर ऑल 18 एंड बिलो. सबकी नौकरी लगेगी भाई, चिंता मत करो. कमल ही लगवाएगा, कमल लगाएगा. इनमें से कोई एक होगा तो तेरी भी नौकरी खा जाएगा. तो तू अभी सारे सीक्रेट्स दे दे, खुल के दे. नहीं, इट्स नॉट दैट, आई मीन इट इज अ लिटिल हार्ड, बट मैंने बेसिकली क्या किया था, मेरा भाई अमेज़न में काम करता था, तो नेपोटिज्म ये ही चल रहा है यार. अभी नहीं, यही होता है वो, तो रेफरल तक ही होता है. तो अनन्या पांडे, कोई रेफरल, इतना नीचे मत गिरा भाई, ठीक है, थोड़ा बहुत हूँ, बट जहाँ तेरे सपने शुरू होते हैं वहाँ मेरे सपने खत्म होते हैं. नहीं, बट इफ यू नो एनीबडी इन द कंपनी, जस्ट गेट अ रेफरल. तो उसमें वो ये रेफरल कोड इसमें भी होता है. जैसे भाई मैं तो तेरे को फिर कैलिफोर्निया बुरीटो में जॉब दे देता. काम थोड़ी करता है वो, तो डिस्काउंट का रेफरल. अरे वो वाला रेफरल, इसको लग रहा है ऐसे कोई भी डिस्काउंट कोड पे भी जो नौकरी मिल जाती है. जोमैटो पे गया और वो बोला, बोलो भैया वो पेटीएम वाला नहीं कोड होता वो मेरे पास है, आप नौकरी दे दो. ये अमेज़न पे जो आते हैं थोड़े कार्ड आते हैं लेके जा रहे जेफ बेज़ोस के, बोले नौकरी दो मेरे को. जेफ बेज़ोस के घर पहुंच गया. बट हाँ, तो मेरे भाई ने मेरे को रेफरल दे दिया था. तो उसमें बेसिकली जो मेरी पहली असेसमेंट पार्ट था वो थोड़ा मेरे लिए इजी हो गया था. एंड हाउ दो, हाउ वाज इट इजी? जस्ट बिकॉज़ यू हैव रेफरल, देन द गाय हैज मोर क्रेडिबिलिटी बिकॉज़ ही इज ऑलरेडी वर्किंग इन द कंपनी. लाइक कंपनी में जो लोग काम करते हैं वही रेफरल दे सकते हैं ना. बट इन द इंटरव्यू हाउ वाज इट इजी? नो, इन द इंटरव्यू वाज नॉट इजी, आई सेम इन द असेसमेंट पार्ट. जब रेज्यूमे भेजते हैं एंड देन असेसमेंट करते हैं, तो ये प्रोसेस बेसिकली जैसे इंडिया में होता है कि वो एक हॉल में हो रही है बकचोदी, फॉर्म वॉर्म भर रहे, वैसे ही होता है ना डीओ में प्लेसमेंट? वैसे कैसे होती है डीओ में प्लेसमेंट? मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता. ये भी नेपोटिज्म ही है भाई. अबे बट बेसिकली लाइक इंडियन मूवीज में तो मैंने देखा है कि वो हॉल वॉल में बैठ के ऐसे वो तो एग्जाम दे रहे होते हैं भाई. नहीं यार, तो यार इन लोगों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं नौकरी और एग्जाम के कैसे. नौकरी मांग रहा है. तो फिर क्या होता क्या है कि तुम यू सेंड एन ईमेल और समथिंग सेइंग दैट दिस इज माय रेज्यूमे और सम शिट लाइक दैट? नहीं, यू सर्च फॉर लाइक गूगल करो जो भी जॉब्स यू नीड, लाइक यू जस्ट अप्लाई फॉर न्यू ग्रेड जॉब्स. तो बेसिकली जब आर्ट व्हेन यू गेट आउट ऑफ कॉलेज, अमेज़न वाला नौकरी कैसे ढूंढी? तो तेरे को यूबीसी ने कुछ बोला था कि तुम यहां डालो यहां डालो? नहीं, कुछ नहीं, नहीं, उन्होंने बस बोला ये तुम ग्रेजुएट होने वाले हो एंड दैट्स इट. यूबीसी से और कुछ नहीं हुआ. यू जस्ट हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स योरसेल्फ. मतलब यूबीसी वाले आके वो जब कोऑप वॉप में होते हैं तब तो हेल्प करते हैं उन लाइक नौकरी के अप्लाई करने के लिए हेल्प करते हैं. बट अगर कोऑप में, कोऑप में नहीं था तो आके सामने से ये नहीं बोलते भाई तू यहाँ पे पढ़ रहा है जाके नौकरी ढूंढ ले, ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ. And then you literally just Google it. Yeah, you Google for job, like job openings. Or job, bol diya tha maine. Koi nahi, koi nahi, hota hai. But you like
Google for new openings and then you find like jis bhi company mein tereko lag raha hai ki you can get in, like you see the qualifications. So what is this, like on Glassdoor or something? नहीं सबकी कंपनी लाइक लिंक्डइन होता है मेन, तो सबसे ज्यादा तब लिंक्डइन पे डालते हैं लोग पोस्ट करते हैं कि ओपनिंग जॉब. हां तो जॉब, हां हां ये तो करते हैं. और मोस्टली इफ यू हैव लिंक्डइन प्रोफाइल योरसेल्फ की अगर व्हिच इज अ डीसेंट वन, या इफ या विद डीसेंट वन देन इट रियली हेल्प्स टू, बिकॉज़ वो जाके सबसे पहली चीज फिर वही देखते हैं अगर तुम अप्लाई कर रहे हो अपने, तुमने लिंक्डइन की प्रोफाइल डाली है. तो लिंक्डइन प्रोफाइल में क्या कनेक्शंस है? लिंक्डइन प्रोफाइल में कनेक्शन कोई नहीं है, लेकिन मैंने जितना मेरा पहले का वो है एक्सपीरियंस है वो डाला हुआ है ना. अच्छा. तो मैंने उसमें लिखा हुआ मैंने क्या क्या किया हुआ था, वो बस बेसिकली मेरा रिज्यूमे है, बट वो उस प्रोफाइल में मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा वो करके. लिंक्डइन पे जेफ बेजोस की फेक प्रोफाइल बना दी और उससे कनेक्शन बना दिया और लिखा रहा है इज कनेक्टेड टू ब्रदर इन लॉ. ये तो लेना ही पड़ेगा. अबे हाँ, किसी को पता ही नहीं चल रहा क्योंकि जेफ बेजोस की फेक, कोई क्वेश्चन थोड़ी करेगा कि जेफ बेजोस जेफ को जाके बोल रहे कि सर आपने फेक अकाउंट बना रखा है, कोई पूछेगा थोड़ी, उनको लगेगा आपने फेक अकाउंट बना रखा है. नहीं आपका अकाउंट है कि नहीं, ऐसे थोड़ी कंफर्म थोड़ी करेगा कोई. जेफ लिंक्डइन पे क्यों होगा वे? क्या पता साले उसकी बीवी सब ले गई. ही इज जस्ट एस्पायरिंग टू बी अ फ्लावरिस्ट. नहीं वो लिंक्डइन पे है वैसे, हर कोई है भाई लिंक्डइन पे. दो जेफ लिंक्डइन पे क्या कर रहा है भाई? उसको नौकरी क्यों चाहिए? नहीं वो सिर्फ नौकरी के लिए लिंक्डइन पे थोड़ी होना पड़ता है भाई. लिंक्डइन इज जस्ट आल्सो अ सोशल फुल ऑन लाइक पोस्टिंग, लाइक ही पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम ऑन लिंक्डइन भाई. नहीं मेरे स्कूल में भी वहाँ पे लाइक वो अपनी प्रोफाइल बनाने के लोग ऐसे गलत गलत पोस्ट डालते थे, बोल रहे अभी मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई है एंड आई हैव गेन्ड सो मच एक्सपीरियंस, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दीस गाइस. द पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स. Yeah, like it's mostly about ये किया वो किया उसकी photos डाल दे. हाँ, it's basically social like platform but just for work. Like तू भी डाल दे. हाँ, डाल. अपनी reels डालना शुरू कर दे. Guys, हम लोग podcast कर रहे हैं. Guys, मैंने आज इस reel पे Amber Heard बनके एक बिस्तर पे टट्टी कर दी. But तो मतलब LinkedIn profile बना लो and then you have to have a good resume. As in कि मतलब वो क्योंकि resume जब तुम भेजते हो specially Amazon, Facebook and all of these companies तो कोई बंदा नहीं देखता उनको, पहले AI सेलेक्ट करता है. तो इफ यू यूज द व्हाट द हेल, व्हाई सो श्योर? या सो लिंक्डइन बेसिक क्यूरेट्स थ्रू द AI थिंग ओनली, लाइक दीज फिल्टर्स एवरीबॉडी एंड देन फाइंड्स यू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स दैट मैचेस योर नो. बट लाइक AI व्हाट इज लाइक योर एजुकेशन लेवल दिस दैट देन लाइक व्हाट आर द व्हाट आर व्हाट डू यू थिंक आर द या दैट्स व्हाट आई टेल यू दैट्स व्हाट आई गोना टेल यू कि वो देखते हैं बेसिकली द वे यू वर्डिंग योर experience, जैसे तुम अपना experience बता रहे हो. You're telling me it goes into the depth of the words you've used. That's how AI goes. Yeah, it basically looks for the words. So, like if you have used like instead of like if you say I've assisted in this job, then it's not really gonna pick up on that. But if you have like led a team of 50 people, you say what like if that. I literally just write all the great words and they don't make any sense. You get led 50 people. I don't think that's gonna work. Led I'm not sure. Sheep. led men 50-60 yeah. Leadership great. 5 stars review. CEO 2000 people Bezos. Abhi aap filter mein like it has to make sense also. Tabhi to it's why it's AI no. Sare keyword likh diye maine aur wo keh raha hai usse bol seedhe Jeff ko gayi profile. Keh raha hai itna zyada qualified banda aaj tak hi apply kiya. Jeff pad raha hai led a team of 20,000 people. Na to ye to nahi sense. ये तो we should just try it, fuck it. Fuck भाई, फट गया, सर्वर क्रैश हो गया. ऐसे try करना पड़ेगा भाई, अपने ऐसे ही बस random सारी jobs, सारी की सारी jobs LinkedIn flip खा गया, सब recruiters को भेज दे, बोल रहे इससे qualified लौंडा है ही नहीं, इसको आके सब ले लो तुम लोग, सब लड़ रहे हो उसके ऊपर. For all jobs, for every job in the world, everything that's high from an assistant to like the CEO, high paying सब में चला गया. अबे but LinkedIn का CEO बन गया. बोल रहे इस करंट वाले को हटाओ, इसकी इसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं. मेरा रोडीज में भी ऑडिशन चला. दिस इज व्हाट यू से टू पीपल हु से दैट AI इज गोना टेक ओवर द वर्ल्ड. बीट कर दिया पूरा AI सिस्टम. बट इनिशियली व्हेन दे इंट्रोड्यूस दिस AI थिंग कि वो रेज्यूमे करने के लिए, तो उन लोगों को वो हुआ था कि द AI वाज ओनली पिकिंग अप ऑन व्हाइट मेल्स. What the fuck? Yeah, that's legit. That's actually fucking legit. Only white males. Amazon ka hai. Yeah. Initially, jab un logon ne start kiya tha, because I don't know, jaise wo word karte the, that was a little different, and then he picked on that.
like this. How do you word something like a word? Are you telling me black people word things different? But in like when you're main likh raha hu, led a team of 50 people while eating rajma chawal. Mainly there's Indian keywords. No, if you use stuff like bra and all, then you're considered black. The fuck is using bro in that fucking resume, bhai? What the fuck? But in what the fuck? You're using bro, you can eat the black hair. Bro use kiya aur fir AI ko blame kare sirf gore logon ko blame kare. The fucking AI is being blamed for led a team of 50 bros. I have like 50 years of experience, bro. Dude, what the fuck? Why did you use bro as the example? That wasn't supposed to be serious, but fuck. But no, initially, like 2008 and 9, when they introduced, only like most of the people they were hiring was like white people, just because how it was. Like, yeah. That's not entirely true, I would say, because yeah, like, don't quote me on that, but I think most of what I've read is that. Yeah. We did a case on this, that's why I know a little bit about this. Tune a case kar diya on case study. Case study. But initially, wahan pe jitne bhi wo log select kar rahe the, mostly white males hote the. Jab AI ne check kiya ki jo resumes uske paas aa rahe hain, एंड जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, जिन लोगों के रेज्यूमे सेलेक्ट हो रहे हैं वो मोस्टली, तो जैसे उनमें वर्डिंग से वो उन्हीं को वो करता था, लाइक पिक करता था जो बाद में आने लगा. सो यू आर टेलिंग मी दैट व्हाट डिड अमेज़न क्लेम लेटर, वाज दिस लाइक अ प्रेफरेंस इन देयर AI कोड और वाज दिस अ ओवरसाइट, लाइक ये व्हाट गलती थी कि वो एक्चुअली में कोड में प्रेफरेंस था कि नहीं? इट वाज इन द कोड प्रेफरेंस. AI जस्ट लर्नड फ्रॉम द नेचुरल सिस्टम दैट ऑल द पीपल दैट वर लाइक इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स, दे वर ओनली लाइक नॉट ओनली बट दे वर मेजरली हायरिंग द व्हाइट मेल्स. So then the AI started Pick preferring the wording of the white males. Yeah, just because like उन लोगों को hire कर रहे थे, क्योंकि जब AI को पता, बाद में पता था, AI में ये भी था कि like what is going through is what should be led through. Yeah. Like the filter was like, it was like learning. Yeah. ये if this is the type of group that is being led through. Yeah. So then you let more people like that through. Yeah. I think also like it was also told that the people who are like being hired. Yeah. तो उसके resumes भी फिर देखता था, उनसे सीखता था. And then you try to pick more resumes like those resumes. Yeah, but so then what could be so different between black fucking and white male and like a Hispanic male and a brown male? Like, I don't know. तो case study में ये नहीं देखा? इतना deep नहीं था भाई, लेकिन but that's what we like studied about. That's how it was. All I took from that was ki everybody apart from white males was using bro in their resume. Sab log aise hi baat kar rahe the. Kamal ne sirf bra hata diya so job mil gaya. That was basically it. Yeah. All he had to do. Maine wo case study kar li thi, uske baad mere ko pata lag gaya. Jaate hi Amazon mein apply kiya. Wahan pe wahan ka AI seekh gaya tha Kamal. But nahi, un logon ne jaldi like they retracted and stuff. Like the AI, they कितनी change. जल्दी भाई, उस तक तो बहन चोद कितने white males आ गए होंगे. अब क्या ही कर सकते भाई, वहाँ पे सब लोग जैसे how much poverty did just the bro cause? like जैसे वो नहीं होता था कि before like when we were applying for colleges and stuff, like everyone would be searching कि like they would like let's say I'm applying to UBC. So best like, resume. No best applications. Like you would go to those college party sites to see how the girls are there, right? Like hot girls at UBC rating, waiting. ये सब ऐसे होता है ना कि वो websites पे होता है कि the girls are hot here, no there are girls aren't hot here. तो वो Amazon में आ रहा है कि यहाँ पे तो लड़कियाँ ही नहीं है, सिर्फ white males हैं. कोई वो ही नहीं है, लोग जाना ही नहीं चाह रहे, कोई भी ठरकी लोग नहीं जा रहे वहाँ पे. But that's good for workplace. No ठरकी people. But you think you'll find your wife at Amazon? Amazon, हाँ. क्या पता भाई, ऐसे ही कहीं बॉक्स वॉक्स रखती मिल जाए, डिलीवर करती मिल जाए, भगवान जाने. तेरा ये वाला काम है, तेरे को डब्बा वब्बा रखना है? नहीं, मेरे को डब्बा वब्बा नहीं रखना. $110 डब्बे रखने के लिए. I have to like manage those like 150 people to 200 people in the warehouse. You like, can tell them whatever, like कुछ भी कर लो. So the first level is the like the guys who do the delivery part. I mean, not the delivery part, the guys in the warehouse, workers. Then there's PAs, which is level 3. Personal assistant. Yeah. And then there's area manager. That's my level 4. So there's one level. तो तेरे को कोई कपड़े Amazon के पहनने पड़ेंगे? नहीं. वो पहनेगा तू? क्या? वो
कार्ड गले पे नहीं जरूरी नहीं है ऐसे स्कूल थोड़ी वो पहन के थोड़ी घूमना तो वेस्ट पे हाँ कहीं ना कहीं होगा मतलब कहीं अंदर जाने के लिए उठ ले या तो पॉकेट में लेके घूम ले तेरे को मार्क कर देगा मतलब जेफ की प्रॉपर्टी बन जाएगा फिर बेसिकली जेफ तेरी कॉन्वर्सेशन सुबह रात सुन रहा है हर रोज सुन रहा है वो क्या जेफ ये अपनी बीवी ढूंढने की कोशिश कर रहा है जेफ कॉक ब्लॉक कर रहा है हर बार जैसे ही वहां डब्बा रखने वाला होता है हॉट बंदी के पास एक लड़का आ जाता है काम पे ध्यान दे काम पे ध्यान दे लड़की किसी से भी बात करो फोन आ जाता है बोले क्या कर रहे हैं भाई कार्ड काम करने लग गया कमल को इट्स लाइक दोस फकिंग इलेक्ट्रिक कॉलर्स वेरी क्रूअल बाय द वे इलेक्ट्रिक कॉलर्स आर वेरी क्रूअल ऑन डॉग्स On yeah. Thanks for the clarification. Thanks for the clarification. They're fine on humans. As long as they're keeping them disciplined and keeping the herd in check. Huh. It should perform. क्या बोलते हैं? It should perform a sexual thing. Fantasy. No man. It should perform a. It should fulfill purpose. Its purpose exactly. Okay. यार इसीलिए मेरे साइड में बैठता और गेस्ट को आगे बिठाते हैं. गेस्ट तूने आज बनाया ही नहीं मेरे को दबा के बेइज्जती कर रहे हो जब से आया माइक वाइक मुंह पे फेल दिया था वी डिडंट नो नो गाइस दैट्स नॉट कमल वी फाउंड कमल ऑन द स्ट्रीट नो गाइस द पॉइंट इज कि कमल एक्चुअली में गेस्ट नहीं है वरना हम अगर कोई फ्यूचर गेस्ट ये देख रहे हैं तो कमल हमारा बचपन से दोस्त है वो एक्चुअल गेस्ट नहीं अगर एक्चुअल गेस्ट होता तो उसको थोड़ी बेटर ट्रीट जस्ट हैपेंड टू बी इसकी नौकरी लग गई हाँ वही पहले ही हमें ही वाज वर्थलेस बिफोर दिस फिर उसकी जब नौकरी लग गई तो हमने उसमें कंटेंट देखना शुरू किया दूसरी नजरों से देखा मेरे को गाइस वी हैवंट हंग आउट विद हिम इन 3 इयर्स जैसे इसकी अमेज़न पे नौकरी लगी सब इसके आसपास बदल गए हमने लिंक्डइन पे देखा इसकी नौकरी लग गई फिर पता चला हमें कि ये तो अभी इंडिया में स्नैपचैट पे लोकेशन देख के ही लॉस्ट आवर शिट वी लाइक ब्रो लिटिल डिड वी नो दैट द वे वी रिएक्टेड इज द रीजन ही गॉट द जॉब बाय नॉट रिएक्टिंग लाइक दैट एक्चुअली ब्रो तो हाउ डिफरेंट वाज कनाडा लाइक वुड डिड यू एवर थिंक यू'ड स्टडी इन इंडिया और डिड यू ऑलवेज वांट टू स्टडी इन कनाडा नहीं माय इनिशियल प्लान वाज आईड गो टू द स्टेट्स पहले मेरे काफी बड़े सपने थे मेरे मौली को बताओ मेरे यूपीएन जाने के सपने थे झूठ बोल रहा है इनिशियली ही थॉट ही वोंट स्टडी इसने नहीं सोचा था बारहवीं के आगे पढ़ेगा हाँ नहीं इसका सपना था कि मैं हमारी क्लास में एक लड़की थी धरण्या वो क्या बोलते हैं वो यूपीएन गई थी हाँ पता है यूपीएन गई हाँ इकॉन विकॉन करा है उसने वो धाडित के साथ है ना किसका धाडित हाँ धाडित वाज आल्सो इन यूपीएन बिजनेस स्कूल ना दैट धरण्या ना ओ हो या 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 दैट धरण्या Nothing. Okay. नहीं बट फिर मतलब तेरे को लगता है कि द रियल क्वेश्चन हियर इज डू यू थिंक यू कुड हैव गॉटन अ बेटर जॉब अ बेटर लाइफ अ बेटर ओवरऑल एक्सपीरियंस इफ यू वर एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस आई डोंट रियली नो बिकॉज लाइक आई वाज यूपीएन इज मच हार्डर तो सॉरी अगर मैं वहां पे जाता भी तो मेरे को नहीं लगता मैं वहां पे टिक पाता बिकॉज जस्ट टिक पाने की बात नहीं है फिर तो तू प्रेशर में आके कुछ ना कुछ तो कर ही लेता Because all of us ESS students were survivors. Because every you'd be the people who are surrounding you right now over there. Shishir is surrounding you. Dishir. No names. But I guess. I mean, I'm not really sure. You think your life would have been better? I don't think my life would have. Kind of in chaos. Oh yeah, 100%. And it's a weird place to be in right now, especially as a brown guy. That was also the reason I didn't end up going to the States. That's why I went to Canada. Which was a good choice overall? Overall, I think Canada was a much better choice. Like, did you ever think you're going to work at Amazon? Probably. Iska bhai kaam kar raha tha. I did actually. Since the start of your uni? No, not since the start. जैसे मेरी भाई की नौकरी लगी थी मेरे को लगा अब तो मैं चला जाऊं. The day he got his first package delivered, मेरे को यहाँ काम करना है. तो तेरे भाई ने तेरे को बताया? तू जल्दी आ गया? तेरे भाई ने तेरे को बोला कि don't worry मैं तेरे को भी देख लूँगा. नहीं नहीं ऐसा वो क्या इतना बड़ा वो नहीं है जेफ बेजोस थोड़ी है भाई मेरा भाई वही तो इंजीनियर ही तो है वहाँ पे अच्छा व्हाट लेवल है तेरा ब्रदर अभी वो देख रहा होगा जॉब दिलवा दी बंदे को कह रहा इंजीनियर था बस गर्मी थी इसलिए नहीं करना था यहाँ पे उसको क्या डोरडैश
नहीं वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही DoorDash में भी अच्छा मतलब बाइक बोले Amazon Amazon वहाँ पे छोड़ो और क्या नाम Amazon में सॉफ्टवेयर इंजीनियर छोड़ो और DoorDash जाके डिलीवरी करते हैं But these guys do earn well. It's a so side hustle. So yeah, they do especially there. You can even sometimes stick your dick through a pizza box and get action. I've seen, मैंने देखा है यूएस में होता है वो सब भाई क्योंकि यूके में भाई सारे ये जो Uber Eats वाले ये सारे जो आ रहे थे ना they were all coming and fucking that's exactly what I just said coming and these fucking mercs and shit क्या what the fuck dude I got at least 4 to 5 deliveries where these Uber Eats people came in a merc so you're telling me that that's the merc and Ubers that's just generalizing to a whole new level you're telling me that सबके पास maybe that's London maybe that's London the reason डिलीवरी करो तुम्हें मर्क मिलेगी ये बोलना चाह रहे ये नहीं कह रहे हो मैं कह रहा हूँ साइड हसल साइड हसल वो बंदा पार्टी जा रहा पिज्जा रास्ते में देखना नो इट इज साइड इज नॉट अ फुल डे जॉब यू एनीबॉडी कैन डू इट ओवर देयर बट व्हाट इफ यू डोंट इवन स्टूडेंट्स डू थिंग्स लाइक व्हाट इफ यू डोंट एक्सेप्ट द थिंग एंड शिट लाइक व्हाट देन Then like, it goes to the next like what server. If you have a delivery matlab, tum, like how does that even work ki, agar tumhe delivery so you switch on the time that you want to start delivering and then you switch it off when you're done delivering for that's the all time. That's and all. Then you set the area area you want to deliver bhai so why don't how do we sign up for this because I want to start pranking some people you can't do that in India you need more verification nahi maine agar setup kar diya ye wo aur fir wo keh rahe hain ki kya bolte hain aapka delivery anmol rana leke aa raha hai fir main wahan jaake unke ghar pe maine ghanti mari और मैंने लिख दिया कि योर ऑर्डर हैज अराइव्ड देन आई लीव द फूड एट द डोरस्टेप और मैं दरवाजे कोने में छुप गया तो जैसे ही उठाने और मैंने उनको डरा दिया सो लाइक कैन वी डू दैट नो व्हाई दैट्स द वेरिफिकेशन यू कैन डू इट वंस या दैट्स हाउ यू गेट फायर्ड हां तो कमल तू कह रहा है कि यू डोंट एक्चुअली नो दैट इफ योर लाइफ वुड हैव बीन बेटर और नॉट एट यूपेन Like particularly UPenn, I think it would have been better. But then everything surrounding UPenn, the whole states is not like, no, a good place to be. Not just the whole states. Don't you think that city would have not been as fun as where the fuck is it? Philly, yeah. Do you think Philly would have been as chill as Vancouver? No. Vancouver is a pretty city. Like it's a pretty dope spot, yeah. And like the shrooms and the weed and everything is quite nice. Yeah. Everything is quite nice. वहाँ पे ये सारी चीजें लीगल है और वो ये चीजें हम सिर्फ उन्हीं लीगल स्टेट्स और कंट्रीज में हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बट लोग कहते हैं कि वहाँ पे अच्छी है बट हाँ नहीं I definitely feel I made the right choice कि going to UBC and going to Canada okay Kamal so basically you're saying no regrets at all so far no regrets in life choices yeah what do you think you'll be doing In the next 10 years, you think you'll be working at Amazon for Lord Bezos? No, definitely not. Not in any company. I think even 5 years, How many levels do you need to go up to work for Bezos? To work for Bezos? Like report he's directly not, to him. He's not working at Amazon anymore. Whoever is under like the CEO, the you mean? Yeah. Then you need to be the CFO, the CTO and stuff. So what level, how many levels do you need to go up? I think there's total of 14 levels. Or 15 pe tum, what do you... 15 है ही नहीं ना भाई टोटल 14 के बाद गेम खत्म ये पक्का नहीं है आई एम नॉट श्योर अबाउट 14 पे होता क्या है तुम 14 पे क्या कर रहे होते हो सीईओ तो मादरचोद सीईओ साला इतना बड़ा हो गया उसको भी कह रहे तू अभी एक इस वाले लेवल पे है ये वो मेरे को लगा लेवल सिर्फ थोड़े लो लेवल एम्प्लॉइज के लिए होगा तू नहीं सीईओ भी बना हुआ है तब भी वो कह रहे हां तू 14 लेवल पे है तेरे को ये ऐसे मतलब नहीं वैसे बात नहीं करनी होती लेवल पे गाइस ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऐसे ही बनी है कितने लोग हैं Amazon में कितने लोग काम करते थे लाइक So how do you level up? You just work like in operations is the quickest field to level up basically and to get promoted. Tera agla level kaun sa hai? Level 5 which is nahin, also level 5 mein kya hota hai? That's also you Kamal flip paane wa- you basically that exactly area manager but area manager 2 that's the post name. But you're managing the area manager. Yeah, basically. And then area manager 3? No, then operations manager. That's level 6. Then you have a lot of area manager. But then area manager 2, when you become a manager, what are you managing now? Two areas. The area manager 1. That's who you're managing. You're managing only one guy. No, not one guy. Like you manage, then like area manager on the level 4, they manage the downside. Like they manage level 1, level 2, level 3 employees. Then area manager 2, they all like they manage the level 4 but they also connected to the higher ups like level 6 level 7 so you're managing a couple of area managers on level
area manager too. I think so, yeah. Think so? But you also manage the workers as well. Like, it's not like there even se baat hi nahi hogi. You also have to go and communicate. Fuck, fir kya fayda? But no, you have more authority and like you have more, basically at a higher level. Tab tu bol sakta hai ki sale. Haan, to level 4 wale ke bol sakta hai, aukaat mere. ऐसी ऐसी चीजें अपने लेवल पे रहे भोसड़ी के अपने लेवल पे ये तूने अगर नहीं बोला तो तू क्या मत कर नौकरी फिर छोटे टाइम बोलो जरूरी है छोटे टाइम बोलूंगा जरूर इसको बोलिए लुक लाइक यू रोट ब्रा इन योर रेज्यूमे दैट्स व्हाई यू लेवल 3 मैं लेवल 4 के लेवल 2 पे हूं यू आर नॉट अ वाइट बॉय फक यार ये साला एआई भी व्हाइट लोगों को प्रेफर कर रहा है वो बात सुन के तो मेरा दिल टूट गया बेंचो अबे नहीं वो इट वाज नॉट एआई द फक्ड अप एआई जस्ट एआई वाज basically portraying what the system was preferring. वो लोग जो hire, जिन लोगों को hire कर रहे थे, AI को पता था कि वो उन लोगों को hire कर रहे हैं. Wait, what is AI again? Allen Iverson. No, but AI does How work. How is AI not preferring black people? अभी but AI anyways works in the most fucked up racist ways because apparently they put some AI alive for like a day or something. I don't remember what AI it was. It was like heavily funded, but they had to shut it down in a day because that AI became a Nazi racist and like everything that it could possibly AIs, because AIs it was learning from the Twitter comments and then the fucking comments were spammed with Nazi and racist people were fucking with it oh and wait then, there was a thread that it was learning from and people started teaching it bullshit yeah. No, you feed. Why did they think this would go right in a day it starts saying the most like the most disturbing things in the fucking world That's quite cute. There was also this AI, like, I think Facebook ka hi tha, pata nahi, Facebook ka nahi tha, I think, but there was also this AI, like, two AIs the, un logo ko ek din, jaise unka, like, after they were born, basically, jaise ek din ke baad, un logo ne apni khud ki language bana li di. Like, nothing okay. that people could Understand. Decode. So they had to shut them down. क्यों रोल पर पता ही नहीं लगा क्या बात कर रहे हो फोमो हो रहा था मेरे को भी सुन रहे हमसे बात ही नहीं कर रहे बोल रहे ऐसे आपस में मैंने तुम्हें बनाया था मेरे से बात करने के लिए तो रहे यार एक दूसरे में कह रहे हुए देख के इसके गांड कितनी मोटी है एक दूसरे में गंदी गंदी चीजें बोल रहे हैं भाई तू क्या कर रहा है ऐसे अश्लील चीजें बोल रहा है AI कह रहा है यू वोंट इवन बिलीव इट आई फार्टेड भाई द थिंग वाज द सॉफ्टवेयर वाज सो बैड दैट एक्चुअली मेकिंग नो सेंस बट दीस गाइस आर लाइक फक दे टॉकिंग इन देयर ओन लैंग्वेज एंड शिट लाइक दिस पीपल जस्ट वेंट दे ट्राई टू हाइप देयर ओन AI अपनी लैंग्वेज बना बंद कर पर वो कुछ भी बोल रहे हैं हां वो दे टॉकिंग लाइक दैट फकिंग यू ट्राई टू कीवर्ड कीवर्ड द रेज्यूमे ना दे टॉकिंग लाइक द गाइस हु राइट ब्रो इन द रेज्यूमे AI वाज बोल ब्रो 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 AI पूरे दिन बात कर रहे ब्रो यार बोल रहे फक कोडेड मैसेज उनका दोनों का नाम है द ब्रोज That was such a bad one. Guest के लिए हम हंस दिए. Thank you. Laughing soundtrack. AMK सबसे ज़्यादा अच्छा था. Thanks. मैं हंसता ही रहता. हंसमुख लड़का है. But कहाँ थे हम लोग? कहीं हम इस बात पे थे कि where do you see yourself in 5 years? Do you work for Amazon? Do you become an entrepreneur? Like, where does Kamal Malik, Amazon employee at 21 with $110,000 in his pocket, go from here? Do we see you as someone shooting heroin in Toronto in 5 years? I mean, if I find a couple of good lads, I might. Ireland mein kaam nahi kar raha bhai tum lads. I mean, if I find myself a couple of good lads, I might. Ireland wale aise thodi baat karte ho. Irish accent mein hota kya hai? Irish accent mein hota. Oi Scotty. Aise to bolte ho. Oi Scotty. Couple of good lads. Oi Scotty, if you find myself gym couple. Couple of good lads, I might. Yeah. I might Scotty. If I find myself. I might do some heroin. That was actually kind of I might do myself some heroin. Heroin. Desi man kya bhi. You want to Australia life. Heroin. But nahi, like in 5 years, I think I'll be working for myself and not for any company. Main chahta hu ki I get some experience because I've never really worked before. Mm-hmm. And none of us have. Yeah, basically. Now, so, maybe we have. Now you guys are working. I mean, this I mean, is work. This needs dedication, but... Mut. तू क्या करेगा e-commerce and delivery हाँ what you want to start a e-commerce business नहीं rival को Jeff Ride up level 4 level 15 से भी ऊपर है वो उसको rival करेगा वो level पे नहीं है वो सीधे end level का villain जो आता है लड़ने boss battle वहाँ पे सब कुछ सीख भी क्या ऐसे ही करूँगा यही करूँगा but नहीं I don't like हाँ अभी तो मैं उन लोगों में से जो सिर्फ बोल रहा है कि हाँ 5 साल में अपना business खोलूँगा but I don't really have a
good idea that I'll like start my business on. But do you think you are motivated enough to quit a steady pay? Steady, exactly. To quit nice steady pay 5 years down the line, where you've probably gone from 110 to 200, 250. Maybe even more, depending on what. And now you're earning good money. You're in a city. Now, 5 years later, do you think you'll have... What's the fucking term? Do you think you'll be... Willpower. Do you think you'll be... you'll be risk averse? To the point where you would be like... I'm going to risk it for the biscuit and I'm going to start a business. I think I'll definitely risk it for the biscuit. Because to make big bucks, you can't really be working your whole life. But you said you'll find your wife also over there. So, if you don't get a wife in 5 years, then what do you mean? No, but you said you'll find your wife in Amazon and what if she is no, like... No, I did not say that. Then she's like, क्या? Kamal, you can't quit. हाँ तू ऐसे मेरे को छोड़ के और वो ऐसे मैं अकेले क्यों काम करूँगी यहाँ पर? जैसे I am the girl, ठीक है कमल, मैं तेरी बंदी हूँ जो Amazon पे काम करती हूँ और तू कमल ही है. 5 साल हो गए तेरे को Amazon पे काम करते हुए. And I'm a young girl. When you met her, she was around 19 and a half, and you were 21. So now she's 5 years later, 24, and you are 26. Yeah. You're 26 and a half, 27. So this is the perfect age to get married, ठीक है? अब तू मेरे को आके बोल रहा है कि मैं काम छोड़ने वाला हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना धंधा शुरू करूँ. मैं काम अबे यार प्यार से बोल, मैं तेरी बंदी हूँ और तू मेरे जो बंदी है 19 and a half years की है. नहीं जब मिला था क्या होता है अबे सबसे छोटा लेवल जो वो होते हैं वेयरहाउस वर्कर्स. क्या फैक्ट्री वर्कर मत बोल, वेयरहाउस वर्कर्स. Warehouse worker. What about the? I got him, boys. अच्छा. तो बता अबे तू. So now you're coming to me 5 years later. तेरी सैलरी हो गई 250k. ये भी level one से level one and a half तक पहुँची क्योंकि वो graduate नहीं करी थी. वो graduate नहीं कर पाई थी. ठीक है. उसके घर पे प्रेशर था, वो ग्रेजुएट नहीं कर पाई थी. शी हैड टू फीड हर सिक पेरेंट्स और व्हाटएवर, लाइक गेट देम मेडिकल ट्रीटमेंट. सो नाउ यू आर कमिंग टू मी 5 years लेटर, राइप एज ऑफ मैरिज. ठीक है, दिस इज द परफेक्ट एज टू गेट मैरिड. एंड अब तू कह रहा है कि मैं शादी करने की जगह, लाइक वो उसको लग रहा है कि तू किसी भी दिन प्रपोज कर सकता है. सो राइट नाउ तूने उसको सेपरेटली कॉल करके, तूने उसको सेपरेटली कॉल करके बोला है कि आज मैं आ रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात करने, तो उसको ऑलरेडी लगने लगा है कि तू उसको प्रपोज करने वाला है. तो अभी मैं हूँ वो बंदी, मेरे को लग रहा है तू मेरे को प्रपोज करने वाला है, पर तू एक्चुअली में मेरे को ये बताने आया है कि तू नौकरी छोड़ के बिस्किट का बिजनेस खोल रहा है. आम, हाँ. कुछ भी लाइक कोई भी बिजनेस, आई वांट टू सेल द बेस्ट मैंगोज इन कैनेडा, एक्स वाई जेड बिजनेस खोल रहा है. ठीक है, सो गो अहेड, प्यार से बोल मेरी आंखों में देख के. बंदी का नाम क्या है? अमेज़न. नहीं नहीं नहीं, रुक, कुछ अच्छा सा नाम सोचो भाई. गोरी लड़की है ना, इंडिका होगा, टाटा इंडिका. इंडिका, इंडिका लाइक द वीड. इंडिका टाटा, इंडिका टाटा, इंडिका टाटा. उसका सरनेम टाटा है. सरनेम टाटा है, सरनेम टाटा. सरनेम हम लोग में कैसे काम करती है? नहीं, शी इज वन ऑफ दोस जो अपना खुद का करियर बनाना चाहती है. उसको अपने पापा वापस से कुछ नहीं. 1 and a half लेवल पे काम कर रही है. डेडिकेशन है भाई, डेडिकेशन. उसको हाफ लेवल कहां से मिला? हाफ पढ़ा था इसके रेफरल पे. उसको कभी कभी वीकेंड में थोड़ा हाई लेवल कर देते हैं. वो अमिताभ बच्चन की फैन, उसको अनुशासन का फैन है. व्हाट आर व्हाइट गर्ल इज अमिताभ बच्चन. ओह यार प्लीज कैन वी जस्ट गेस्ट अगेन सिचुएशन. इंडिका, इंडिका इज आल्सो आयरिश. No, no, I can't do an Irish accent, bro. So Indica is waiting for you. I can be Indica. No, wait, I want to be Indica. So you can be Indica's cousin sister who's Irish. She's also in the room. She's Sativa. She's in the room. She's in the room and she's listening. Because she called Sativa and she said ki Kamal aa raha hai propose karne. Okay, I'm Conor McGregor. Tu record karne. Nahi, but tu secretly record karne. I'm Conor McGregor. Super. Theek hai, Kamal, to ab tu aa gaya room mein aur ab tu meko tu batane wala hai. And she's expecting you. To propose. So, baby, I've really something serious to tell you. What is this? This is gonna affect both our lives. Oh my God, Kamal. Are you ready for this? Oh my God, Kamal. I'm leaving Amazon. You don't look happy. What's up? I'm gonna start my own business. Kamal? We're gonna sell some mangoes. I thought. Some good fucking mangoes. Kamal? See? ये कैसी शक्ल बना रखी है?
क्या तुमको देख डेड लेवल पे बैठी हो, तुमसे कुछ नहीं हो रहा जिंदगी में, मेरे को बोल रहे हो कमल आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी व्हाट यू सेइंग टू मी कमल व्हाट डू यू मीन यू हैव बीन विद मी लाइक यू हैव बीन विद मी What? You're gonna start crying now. This happens every fucking time, bro. Every time we talk, she starts crying. You're fire blasting me. I thought you were gonna. Before I quit, I'm gonna fucking fire you. How can you quit your job when I'm pregnant? Who's gonna pay for our baby's porridge? Mangoes. The mangoes. The mango is gonna pay for the college. Porridge. क्या बोलते हैं गैस लाइटिंग गैस लाइट वर्क करने लग गया भाई, तेरे को छोड़ के चली जाती तो एक साल में ही तेरी बीवी अगर ऐसे हर बार यही करती है रोने लग गई साली पांच साल से डेट कर रहा, तेरे को लग रहा है कि हर बार ये पहले नहीं हुआ होगा भाई, तेरे रियलिस्टिक हो भाई, क्या कर रहा है इन अ टॉक्सिक रिलेशन तू तो यही सोच रहा है कि तेरी बीवी रोने ही वाली है और रो रहा था मेरे साथ, रो रही थी मेरे सामने, देखो मेरा जेंडर भी नहीं पता इंडिका का और हिंदी में चिल्ला रहा है इंडिका पे, तेरे को पता है उसको नहीं समझ आ रही हिंदी, जब दिल से गुस्सा निकलता है तो अपनी भाषा में निकलता है, तेरे को जब तेरी नौकरी से निकालेंगे तो यही बोल के आएगा, जैसे वो यू गाइस हैव यू सीन दैट मीम वेयर दैट इंडियन डूड इज शाउटिंग एट दैट वाइट गर्ल्स आई थिंक fucking gandu or something like that ye ek bari aise molly ne bhi kiya tha yahi scene jab UBC walon ne isko nikala tha to molly ne aise hi kiya tha iske dil se gussa nikla tha molly ne ye cheez india mein bhi kari hui hai aur dusri jagah ko samajh nahi aaya tha kya abe nahi maine mere ko jab UBC se kick out kiya tha to maine na ek email likh di thi jisme unne mere ko ek email bheji thi kamal kya tha ki you can come back after a year हाँ उसमें बेसिकली ईमेल में लिखा था कि एक साल बाद यू कैन रीअप्लाई एंड वील कंसिडर यू व्हाटएवर व्हाटएवर एंड देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच बट यू हैव टू वेट अ ईयर एंड गेट योर शिट टुगेदर लाइक नॉट लिटरली गेट योर शिट टुगेदर बट आई एम अज्यूमिंग दैट योर लॉन्ग गैप इज फॉर दैट टू गेट योर शिट टुगेदर व्हाटएवर मैंने उस पर क्या लिखा था कमल बताइयो मैंने उस ईमेल का ये इस सेंटेंस से जवाब दिया बोल कमल ही सेड समथिंग लाइक तुम सब अपनी नहीं ही सेड समथिंग लाइक तुम सब अपनी माँ छे वाले या समथिंग नो it was समथिंग मच वर्स आई कांट रियली रिमेंबर इट मच वर्स तब तुम सारे अपनी जाके गांड मराओ या ऐसे कुछ नहीं नहीं it was वर्स it was समथिंग विद बी 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 भोसड़ी वालों अपनी इट स्टार्टेड विद भोसड़ी वालों तुम अपनी माँ छे जाके समथिंग लाइक दैट हां वो मैंने ईमेल में लिख दिया शी वाज सेंड फ्रॉम माय फोन बट आई रिमेंबर द हूएवर द चिक हु इज वो तो शी वाज वाइट बट cuz ईमेल में उनका वो होता है ना नीचे नाम वाइट अबे नहीं लाइक ईमेल में लिखा होता है ना कि दे डोंट राइट ब्रो इन द ईमेल किसने ईमेल लिखी है वो तो लिखा होता है बट ऑफ कोर्स ऑफिस में कोई ना कोई तो होगा जिसको हिंदी पढ़नी आती है किसने बताया वो हिल गई होगी तो अबे उसने वापस जवाब दिया वो काफी लंबा जवाब आया था बोली थी अनमोल इफ यू थिंक यू कमिंग बैक टू यूबीसी आई हाईली रिकमेंड यू अपोलोजाइज वी आर एक्सपेक्टिंग एन अपोलॉजी लाइक वाइट पीपल आर टू नाइस तो बस मैंने बोला भोसड़ी वालों मां चुदवा लो और उसने लिखा कि अनमोल इफ यू वांट टू कम बैक टू यूबीसी वी आर एक्सपेक्टिंग एन अपोलॉजी ये वो और फिर तब से मैंने उन्हें गोस्ट कर रखा अब रिप्लाई Where are you, UBC? Fuck you. मैंने तो इसको सजेस्ट भी किया था मैं दोबारा लिख के भेज दे अपनी अपॉलॉजी अपनी गांड में डाल उसमें काम कर रहे हैं क्या हो रहा है बताओ भाई छोड़ दिया सही था इससे अच्छा तो मैं अब सोच कमल की डिग्री वापस ले ली अभी तो घर पहुंची नहीं है वैसे मेरी डिग्री भेजी नहीं जल्दी भेजो यार क्या कर रहे हो कैंसिल्ड का स्टैंप आ गया कमल की डिग्री 4 साल वेस्ट जेफ भी कह रहा है बेटे निकल जाए यहां से उनके ऐसे है अगर मैं मेरे पास डिग्री नहीं है मैं पास नहीं होता तो जॉब वापस ले लेते हो चल ये सब तो छोड़ तेरी देख वैल्यू आती है तेरी नौकरी से तो तेरे से Amazon related और क्वेश्चन ये एपिसोड डिलीट कर देना अगर तेरी नौकरी गई ये एयर नहीं होगा अबे तुम्हें को ये बता तूने अपने दिमाग में सिनेरियोस बनाए हैं क्या हो रहा होगा काम पे कि तू काम पे लाइक तूने कुछ तो सिनेरियोस बनाए होंगे लाइक व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू या यू ऑलवेज मेक अप दिस सिनेरियोस कि मैं कॉलेज जाऊंगा तो बहनचोद मेरा डोला इतना बड़ा होगा दूसरे वाले से मैं काम पे जाऊंगा हर बार ऐसे पैर चुके हेलो सर ऐसा सारे कर रहे आई डोंट नो अगर कहां काम कर रहा है भाई थी एमके के स्टूडियो में ऐसे ही होता जाके पहले पैर पकड़ने पड़ते थे नमस्ते नमस्ते हेलो सर बहुत ही वो है भाई बट मेरी एक कजिन है वो एरिया मैनेजर 2 है तो बेटे पूरा परिवार लगा हुआ है Amazon भाई कह रहे नेपोटिज्म नहीं है Amazon जेफ बेजोस भी इसका चाचा है मेरे को लगा कह रही मेरी एक कजन है वो एरिया 51 में काम करती है एलियन बट हाँ उसने मेरे को बताया थोड़ा बहुत हाउ इट वर्क्स तो
बेसिकली एरिया मैनेजर को तो यू हैव टू मैनेज द मैट्रिक्स के तुम अबे यार तू रियलिस्टिक फैंटेसीज दिमाग में बना के बैठा है अगर मेरे को पता है कि तू असली में तू थोड़ी अनरियलिस्टिक फैंटेसीज बना के बैठा क्या तू ये मैं गया वहां पे एक लड़की डब्बे में अटकी हुई है अरे वो मेरी बीवी बनती है वो इंडिका है वो That's how we met. इंडिकाट की भी थी डब्बे में. So तू पहले दिन गया बाथरूम गया यूरिनल पे जेफ बेजोस साइड पे खड़ा है क्या करेगा? या फिर इससे भी बेटर झांकेगा या नहीं झांकेगा? हाँ भाई fuck that's a good question. That's a very good question. जेफ का छोटा कितना मोटा है ये तो पता लगाना पड़ेगा. साले का छोटा हुआ तो उसको बुला लेंगे पॉडकास्ट होस्ट बनने के लिए. नहीं मैं तो पक्का झांकूंगा. अगर तुम लोग होते तो तुम लोग नहीं झांकते. मैं तो पक्का झांकता. एम के नहीं नहीं मैं नहीं झांकता. झूठ बोल रहा है साले. कैलेंडर नहीं देख रहे. झूठ बोल रहा है भाई. दुनिया में सबसे अमीर लैंड. इट्स नॉट सही में. आई वुडंट हैव पीक टू समथिंग लाइक आई वुड आई व्हाट इफ यू पकड़ के चूसने लग जाता तो नहीं तो आई वुडंट हैव पीक और जस्ट स्ट्रेट एंड जंप्ड ऑन कंट्रोल नहीं कर पाया. मुझे लेवल 5 पे डाल दो. लेवल 5 पे डाल दो. मैं कुछ भी करूंगा सर. मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर. मैं लेवल बढ़ा दो. कॉर्पोरेट की सीढ़ियां चढ़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. कॉर्पोरेट की सीढ़ियां चढ़ने के लिए जेफ का मुंह में फक भाई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है. पहले दिन पे अपने बॉस का बॉस बन गया. बाथरूम से पहले तो कुछ और लिखा जेफ ने अपनी मुट्ठी से रीराइट कर. सबको नोटिफिकेशन आ रही है लेवल अप. चलता है अमेज़न पे. सब लोग कांग्रेट्स गो डूड यू लेवल्ड अप इन वन डे. दैट्स द फास्टेस्ट. इट्स अ न्यू रिकॉर्ड. या यू आर इन द किडनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. अगर ये जेफ ने देख लिया मेरे को तो पक्का फायर कर देगा. नहीं भाई बट व्हाट आई रियली वांट टू नो इज कि मान ले तू बाथरूम में ढग रहा है ठीक है. अबे रियलिस्टिक सिनेरियो है. हां कभी हो सकता है. ठीक है तू हग रहा है और जेफ जैसे हमने स्टार्टिंग में बिफोर द कैमराज वर रोलिंग गाइस वी सेड कि अगर जेफ को अपना पैकेज लेना है उसने ही अमेज़न से ऑर्डर किया है वो कह रहा है मेरे को डिलीवरी नहीं चाहिए मैं जाके उठा लूंगा. ठीक है जेफ आया हुआ है तेरे वाले उसमें तेरी फैक्ट्री में आया हुआ है जेफ पैकेज उठाने अपना. ठीक है और जेफ को लग गई सुसु नंबर वन. तो वो गया बाथरूम में और दरवाजा खुलने की तेरे को आवाज नहीं आई और उसने मूतना शुरू कर दिया और तू हग रहा है इस टाइम पे. और तूने एक मोटा सा फट ऐसे करके गिरा दिया उसमें. ठीक है और अमेज़न के पॉट से पानी तूने मोटी टट्टी गिराई पॉट में. एक बूंद पानी तेरे टट्टों को तेरे लंड को डॉज करते हुए ऊपर से गया यूरिनल के ऊपर से और जेफ के टकले पे गिरा सीधा. और फिर जेफ ने दो बारी ऐसे हाथ मारा कि वो सड़ी के किसने मारा मेरे सर पे पानी. कौन होली खेल रहा है बहन चोद यहाँ बाथरूम में. जेफ ने दो बारी मारा. तूने खोला तूने देखा जेफ के सर पे एक वाटर ड्रॉपलेट और वो तेरे हग्गे की वजह से हुआ है. तो तू क्या करेगा बता. आप बता क्या करेगा. काफी और देख रहा है वो सामने खड़ा है. तूने अभी अभी अपनी टट्टी पोंछी और वहां पे तो जेट स्प्रे भी नहीं होता. तूने उससे पूछ के देख के पैरा रिएक्शन क्या होगा. काफी काफी सही काफी बड़ा चांस है कि मेरे को फायर कर देगा. तो मैं टॉयलेट पेपर हाथ में लूंगा और टट्टी उठाऊंगा और उसके मुंह पे मार के भाग जाऊंगा. जेफ बेजोस के मुंह पे मारेगा भाई. अगर वो फायर देखे उसके हां तेरी गांड तोड़ देगा जेफ बेजोस. फिर किसी बड़े रीजन के लिए फायर होने का मतलब अगर मैं बाहर आके तुम लोगों को बताऊं मैं फायर हो गया और फिर मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैं टट्टी कर रहा था बाथरूम में और एक सिर्फ एक बूंद उसके सर पे गिरी इसलिए मेरे को फायर कर दिया. वुड दैट बी कूल. Would that be cool? Or if I say I smashed some shit on his face, would that dude, be cool? It would be way cooler if you were taking a shit and a fucking water droplet went over the counter that, on his head. But that's also part of the story. Pehle wo hua. Nahin, but the water droplet happening that way would mean that it meant something. Yeah, it would. Like, then you should start your mango business after that. That oh, yeah. It would probably. That's right. Just the universe. Yeah, the universe telling you. Universe कह रहा था कि fire होना ही पड़ेगा. अगर वो होगा ना तो mango business start थोड़ा low level पे होगा कि stall से start करेगा पहले. रेडियो वेडियो से स्टार्ट करना पड़ेगा. लेवल 1 सू कर देगा भाई. टट्टी करती सर पे. मैंगोस बेचने नहीं देगा इसको कभी वापस. जेफ साले अमेज़न पे बेचना शुरू कर देगा. मैंगोस को अंडरकट कर देगा. अब बेचते हैं भाई. क्या बेचते हैं? ग्रोसरीज तो बेच रहे हैं अमेज़न पे. कैसे आम बेचते हैं वो वहां पे बेच रहे हैं. अल्फांसो मिलता है उसमें. बट नहीं वहां पे ग्रोसरी वो तो है. यू कैन गेट इट इन अप टू हाफ एन आवर. यहां पर 8 मिनट में आ जाता है भाई. ब्लिंक है बेटा यहां पे. ब्लिंक 10 मिनट है. 8 मिनट है हमारा बेटे. मेरे को तो 10 मिनट के ऐड दिखा सबसे ज्यादा वेयर हाउसेस है. मेरे को तो 10 मिनट की ऐड दिखाते हैं. मैंने एक बार फेविक्विक मंगाई थी. लगता है घर के बाहर ही खड़ा था. एक सेकंड में बेल बजा दी उसने सर. वो फेविक्विक नहीं थी कुछ और ही था. मैंने साले चिप्स मंगवाया था. मेरी बालकनी में आके गिर गया एक सेकंड. साले इंडियन टेक्नोलॉजी और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को सीरियसली लेना शुरू कर दे जस्ट बिकॉज यू आर इन कनाडा. ठीक है
मैं तो कह रहा हूँ वापस आके ब्लिंकिट के लिए काम कर, अभी तेरे को लेवल 6-7 ही मिलेगा सीधे ब्लिंकिट में ना। हाँ पहले स्टार्ट करने से पहले वो ज़ेप्टो पता है किसने शुरू किया था? दो स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट्स ने किया ज़ेप्टो शुरू। हाँ कहाँ की डिग्री है अपने टकलू की? किसकी? हार्वर्ड की है। ओ अच्छा, स्टैनफोर्ड इज बेटर। फिर बेसिकली कमल, आई थिंक हमने तेरे साथ सारे सिनेरियोस तो डिस्कस कर ही लिए हैं। अब तू, तेरी नौकरी कैसी लगी, तेरा एक कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा था, जेफ के सर पे अगर तेरे हगने की एक बूंद पानी चला गया, तेरा ब्रेकअप कैसे होगा इंडिका से। वो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इमेजिन दिस इज हाउ इट एग्जैक्टली गोज डाउन। इमेजिन दिस इज हाउ इट गोज डाउन फॉर एवरी अमेज़न वर्कर। देयर ऑल डेटिंग इंडिका। सबको मैंगो बेचने सारे अमेज़न के बाद आम का बिजनेस स्टार्ट कर। बट ये तेरी आम से फैसिनेशन क्या है? Why, ये तो इसने वो, इसने बोला था। मैंने आज इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो गया, उसने बोला आम बेच, तू आम बेच ले यार। ऐसे 5 साल में यही सपना है इसका। वही तो भाई, ऐसे एकदम क्या नया आइडिया सोचता हूं, क्या पता यहीं पे मेरे को एक्चुअली आइडिया आ जाए। सपना बदल लिया बंदे ने। इंडिका इसका मूड तो बदल ही देगी, अमेज़न में रुक जाएगा। इंडिका तो भाई मेरे को लग रहा है इंडिका इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। अगर तेरे को कोई लड़की, क्योंकि भाई द थिंग इज नाम ही टॉक्सिक है भाई। अबे वो डब्बे में अगर अटकी हुई है तो तेरी जगह कोई और होता उसके साथ भी सीन हो सकता था। लॉयल लग नहीं रही है मेरे को स्टार्टिंग से। इंडिका यार और लेवल 1 मैं तो कहता हूं इस बार इंडिका डब्बे में होगी। और अगर वो 5 साल में उस ग्रो नहीं किया है तो पहले से इसका ये प्लान ही ये था कि किसी को फंसा लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, शी डजंट ग्राइंड। अब तेरे को इंडिका डब्बे के वीडियोस दिखा, और तभी तो वो बिजनेस करना नहीं चाह रही, क्योंकि आगे लाइफ में बढ़ना ही नहीं है उसको। लेवल 4 वाले से डीप एनालॉजी, लेवल 4 वाले से ही करनी है शादी, और वो चाहती है कि वो लेवल 4 वाला वहीं रहे लेवल 4 पे। तू 5 पे जाएगा तो ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, नहीं चाहिए। Then she goes to another level. अब किसी और, अब तेरे को इंडिका दिखेगी डब्बे के पास अटकी हुई तो उसको डब्बे में पैकेज करके भेज दियो। नहीं जस्ट एमके घर, गो टू द सेक्शन, अबे गो टू द होम प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन, वहां से एक चादर लियो और उसको बस कवर कर दियो। रिस्पेक्टफुल झाड़ू लियो, झाड़ू से ऐसे ऐसे करियो। क्या मारेगा इसको? ये तू दीदी, अबे वो तो रिस्पेक्ट की बात भाई। कौन सी लड़कियों को तो झाड़ू से दीदी दीदी करता है ऐसे भाई? When she's bent over too. What the fuck? मतलब दीदी क्या कर रहे हो दीदी? ये he's been watching too much porn. He's been watching too much. ये कौन सा porn है भाई? दीदी ये झाड़ू से कर रहा हूँ। झाड़ू से गांड पे मार रहे हैं। तो porn where nothing happens. झाड़ू से मार के भाग गए। That's YouTube. It's actually a prank. Yeah, that's YouTube. That's not going porn. चलो कमल, कुछ कहना चाहता है जाते जाते हमारी ऑडियंस को? एनी टिप्स फॉर हाउ दे कैन ऑल्सो बिकम अमेज़न वर्कर्स और यूबीसी ग्रेड्स और जस्ट ओवरऑल अ सक्सेसफुल मैन विद $110,000 इन द बैंक अकाउंट? सोच तेरी तेरे को डाका पड़ गया एपिसोड आते, चोरी हो घर जाते जाते लग लिया। एनी वे, अ मैसेज टू द ऑडियंस, यू कैन लुक इन टू दैट कैमरा एंड गिव देम अ पर्सनल लाइक सम एडवाइस। You guys need to just keep applying. Even I applied for like good 30-40 jobs before securing an interview with this one. Before his brother gave a referral. That's it. He that's was it. Testing him. So you just get your family members to join the company first. Yeah, that's also... that's probably that's the easiest tip. Way, yeah. That's the easiest way to go in. If nothing works out, then start your mango business. But if you're getting out of... if you're getting out of college, always apply for new grad jobs. Her company ki new grad jobs hoti hain. They have a specific quota. So that's easier for you guys to get in. And don't date an indica, guys. That's about it. This has been episode 5 of the Pod Stars. Make sure to comment, like, and subscribe, guys. We're going to link Kamal's Instagram in case any of you want to follow his journey at Amazon. And yes, thank we're you for link watching. Jeff Bezos also. If you've stuck around, let's all cross fingers that AM Kamal's employers don't see this. Anyway, guys, thanks hopefully. For watching. Make sure to comment, like, and subscribe. That's been episode 5. We are the Pod Stars. We have the smallest penises, but the biggest headphones and the biggest mics. We don't know about Kamal's penis because we haven't analyzed it. And peace. Bye.